हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडियू। स्वागत है आपका हमारी डिटेल लेक्चर सीरीज आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो चल रही है हमारी, ठीक है। और आज हम उसमें देखते हैं हमारा जो नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था उससे बची हुई जो चीज़ें हैं, बचे हुए जो टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन देखेंगे और साथ में जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं उनको देखेंगे कि हमें उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या तरीका हमें उसमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है आपका फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न, भिन्न से रिलेटेड सवाल कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्न से रिलेटेड, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि भिन्न होती क्या है। भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी संख्या a बाई बी के रूप में जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन कहलाएगी, यानी कि भिन्न कहलाएगी, जिसमें जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अंश या न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, जहां भी आपको ए बाई बी की फॉर्म में मिले वो क्या कहलाएगी? आपकी भिन्न। तो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए। आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया 2/5, 3/7, ठीक है, आपसे पूछ लेगा इन भिन्न में आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो सकती है। ठीक है, इसी में आपसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए, कि सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी होगी। इसी में आपसे कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि आप इस जो श्रेणी का क्रम दिया हुआ है इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, यानी सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न आनी चाहिए, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरीके से। या इसी में आपसे ये भी पूछ लेता है कि इनको घटते हुए क्रम में लगाइए, कि सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, उसके बाद छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या मेथड आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से चलना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहीं से कहूँ कि भाई मुझे इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो इसमें क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे आप? आपको देखना है सबसे पहले इनका अंतर, यानी कि आपको अंश और हर का अंतर देखना है। किसका अंतर देखना है? अंश और हर का अंतर देखना है। ठीक है, जो भी अंतर आएगा आप उसे लिखेंगे यहां ऐसे, अंश बटे अंतर के रूप में। ठीक है, आपको सभी भिन्न के साथ ये प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आप अगले वाले में देखेंगे यहाँ पे क्या है, अंतर कितना है 3, यहाँ पे अंतर कितना है 4, और यहाँ पे अंतर था आपका 2। तो आप इसे लिखेंगे 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, अब आप इसे सिंपल इजीली डिवाइड करेंगे। 2 से आप 1 को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 0.5 वैल्यू आती है। 3 से आप 20 को डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 3×6 = 18, 20 के आसपास पहुंच जाते हैं। 4 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो 0.7, इसके आसपास आप पहुंच जाते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कौन सी वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, 3/4 वाली भिन्न की, जिसमें क्या है आपका 0.7 आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से मेरी सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी होगी, 3/7। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी भिन्न है वो कौन सी है, 3/7 है। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी होगी, तो आप देख रहे हैं डिवाइड करने के बाद सबसे छोटा क्या आ रहा था, 0.5। तो यानी आप कह सकते हैं ये किसके लिए आया था, इसके लिए, और इसकी भिन्न क्या थी, 1/3। तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी जो भिन्न होगी आपकी वो कौन सी कहलाएगी, 1/3। ठीक है, आप यहाँ से इस अंतर वाले मेथड से बड़ी आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आप इन अंतर का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 8/15, 7/13, 14/23 और 11/27। ठीक है, ये आपको एक भिन्न दे दी गई, इसमें आपसे सभी चीज़ें पूछी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि सब श्रेणी को
बढ़ते क्रम में लगाएं, बढ़ते क्रम में लगाएं कि सबसे पहले छोटी, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद से बड़ी, उसके बाद से बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी भिन्न। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप क्वेश्चन पे जाएंगे, आपको क्या करना है, इनका सबका अंतर देखना है, अंतर कितना होगा इनका। ठीक है, तो कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऊपर अंश रहेगा और बटे आपको अंतर लिखना है, तो 15 और 8 का अंतर कितना आता है, 7, 13 और 7 का अंतर आ जाएगा 6, ऐसे ही 14 और 23 का अंतर कितना आ जाएगा 9, ऐसे 11 और 27 का अंतर कितना आ जाएगा 16, 11/16। अब आप इसे बड़ी इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइड करना बड़ी बड़ी संख्याओं से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप पॉइंट में कहाँ तक 27 का पहाड़ा आप याद है कि नहीं है आपको, तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा कि आप छोटी वाली पहाड़े बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे और आप इजीली उसे काट पाएंगे। ठीक है, 7 से अगर आप 8 को डिवाइड करते हैं तो 1 point something आता है, अभी सिर्फ 1 point पर लेके चलते हैं, आगे की वैल्यू अगर कोई वैल्यू सेम आती है, उसके आसपास आती है, तो हम उसको आगे भी डिवाइड करेंगे, नहीं तो यहीं से अगर मेरा काम चलता है तो यहीं से बड़ी इजीली हम टाइम को अपने बचाएंगे। 6 से अगर 7 को डिवाइड करते हैं तो ये भी 1 point something आएगा, 9 से अगर 14 को डिवाइड करते हैं ये भी 1 point something आ रहा है, और 16 से अगर मैं 11 को डिवाइड करता हूँ तो ये 0 point something आएगा। तो देखो ये तो छोटी आ गई सबसे, फिलहाल सबसे छोटी है, 0 point में चल रही है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये वाली जो बहन है मेरी, ये क्या कहलाएगी, मेरी सबसे छोटी हो जाएगी। देखिए आपने कोई कैलकुलेशन की यहाँ पे, कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन आपको ये पता चल गया तुरंत ही कि सबसे छोटी बहन मेरी कौन सी। अगर एग्जाम में ये पूछा होता कि सबसे छोटी बहन बताओ, तो आपको कुछ डिवाइड भी नहीं करना पड़ रहा था, आपने तुरंत बता दिया कि भाई ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि ये सभी पॉइंटों में आ रहे हैं। अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो 8 को, तो 7 × 7 बचेगा 1, 10, तो 7 × 7 1.1 ही चल पा रहा है। ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाया 0, 7 × 7 3, पॉइंट है 0, 7 × 28। ठीक है, तो 1.14 आ गई वैल्यू। ऐसे ही आप 6 से 7 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, 10, 6 × 6 40 और 6 × 6 36, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। 9 से अगर 14 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 × 9 बच गया 50 और 9 × 5 = 45। तो आप देख पा रहे हैं कि अब इसके बाद मेरी बड़े वाली भिन्न कौन सी है, ये वाली है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 1.5 इसमें सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो मेरी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 1.5 किस में आया था, 14/9 में, तो यानी कि 14/23 मेरी सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटी क्या हो गई थी, 11/27। अगर श्रेणी को आप बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटी आएगी यानी कि 11/27, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी थी, फर्स्ट वाली जो है आपकी 8/15, उसके बाद कौन सी थी आपकी 1.16 वाली यानी कि 7/13, उसके बाद बची हुई 14/23। तो ये आपकी आ गया आंसर। अगर तीनों चीज़ पूछता है तो आप बड़ी आसानी से अपना टाइम बचा के आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपका। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 8/13, 17/26, 28/33, 33/43। ये आपको 4 भिन्न दे दी गई और आपसे पूछा गया कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ, और साथ ही साथ आप बताओ इसमें सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको क्वेश्चन में, सीधा वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि आपको अंतर देखना है चीज़ों का। तो अंतर क्या होगा यहाँ पे, अगर 8 और 13 का अंतर देखूँ तो 5 होता है, तो कैसे लिखेंगे, 8/5। 17 और 26 का अगर अंतर देखोगे तो 9 होता है। ठीक है, 28 और 33 का अंतर देखोगे तो 5, और 33 और 43 का अंतर देखोगे तो 10। ठीक है, अब देखो इनको डिवाइड करना, मैं कहता आपसे 43 से 33 को अगर आप डिवाइड करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आपके टाइम को बचाने के लिए आपको ये प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, आप बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। अब देखो आप डिवाइड बड़े आसानी से कर सकते हो, 5 से अगर 8 को भाग देते हो तो कितना आ जाता है,
16 पंजे 80 होता है तो 1.6 आ गया। 9 से अगर 17 को डिवाइड करते हो तो 1.9 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 9 दुनी 18 होता है तो 1.9 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 5 से 28 को डिवाइड करते हो तो 5 पंजे 25 और 5 छः 30, 5.6। अगर 10 से 33 को डिवाइड करते हो तो डायरेक्ट 3.3 वैल्यू आ गई। अब बताओ कितना समय लगा आपको इस चीज़ को सॉल्व करने में, और अगर आप यहीं पे इन चीज़ों को सॉल्व करते तो आपको पता लगता कि आपको कितना टाइम वेस्ट होता है। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये मेरी वैल्यू सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी मेरी, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी मेरी 28/33। अगर आपसे छोटी पूछ लेता तो छोटी भी आप बड़ी इजीली बता पाओगे। छोटी कौन सी यहाँ पे दिख रही है मुझे, 1.6 यानी कि 8/13, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई। अगर इस श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो आप कह सकते हो सबसे पहले सबसे छोटी 8/13, उसके बाद उससे बड़ी यही है 17/26, उसके बाद लास्ट वाली आ जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 3.3 है 33/43, और सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे लास्ट में। तो ये इस तरीके से आपका बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर आ गया आपके सामने। अब देख लेते हैं इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट जो आपको अगर ऐसा आता है कि डिफरेंस उनका सेम हो जाता है, भिन्न का अगर मैं आंसर हर का अंतर निकालता हूँ और अगर वो सेम हो जाता है तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या प्रोसेस इस्तेमाल करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन है 11/13, 13/15, 15/17, 17/19, ये क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे सेम वही चीज पूछी गई है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए और साथ में मुझे सबसे छोटी भिन्न बता दीजिए क्या होगी। ठीक है, तो अब मुझे देखते ही ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई मेरा जो अंतर आ रहा है वो सब में 2 है। अंतर कितना आ रहा है, सब में 2 आ रहा है। अगर अंतर 2 आ रहा है तो सब में सेम अंतर वाले में क्या करना होता है, पॉइंट डाल के लिख लेंगे, जब अंश व हर का अंतर समान हो। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा आपका कि जो सबसे छोटी भिन्न होती है, छोटी भिन्न जो होगी इसमें, छोटी भिन्न वही क्या होती है आपकी, वही सबसे छोटी होती है, और जो बड़ी भिन्न होती है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको देखते ही आंसर लगाना है अपना, जिसमें भी अंतर सेम दिख गया, जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि हाँ ये कैसे आता है, तो आप देख सकते हैं अगर 11 अंश बटे, अगर अंतर लिखता हूँ तो 2, 13/2, 15/2 और 17/2, आपने सभी का अंतर लिखा तो आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर 2 को आप 11 को भाग देते हैं 2 से तो 5.5 आएगा, 13 को भाग देते हैं तो 6.5 आएगा, ऐसे ही अगर 17 को आप भाग देते हो तो 8.5 आएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि सबसे जो बड़े वाली वैल्यू आ रही है वो 8.5 है, और वो कहाँ से मिल रही है आपको, इस वाली भिन्न से मिल रही है। तो कौन सी है, सबसे बड़ी वाली भिन्न है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो मेरी बड़ी भिन्न है वही सबसे बड़ी होगी और जो मेरी छोटी भिन्न है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, जिसमें अंतर सेम आएगा उसमें आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है। आप 5 से 10 सेकंड में बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको संख्याओं की पावर दी होती है, तो पावर वाले क्वेश्चन में आपको कैसे क्या तरीका इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, √2, 5, √5 और 7 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया गया कि अब मुझे बताओ कि इसमें सबसे छोटी छोटा मान किसका होगा और सबसे बड़ा मान किसका होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देख लेते हैं। आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/3। ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/4। अब यहाँ से तो मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि भाई कौन सा बड़ा होगा या कौन सा
छोटा होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको पावर दी हुई है बटे में इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, पावर का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, घात का। तो हमारी पावर क्या क्या है, दो है, तीन है और चार है। अगर दो तीन चार का मैं एलसीएम लेता हूं तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब यानी कि आपको यहां पे 12 करना है। अगर आप दो को 12 करना चाहते हैं तो किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, या आप इससे इसे डिवाइड करें, भाग दें, और जो संख्या आती है उससे ऊपर नीचे आप यहां पे गुणा कर लीजिए। तो मैं इसे यहां लिख लेता हूं, तो दो की पावर कितनी थी, 1/2। तो 2 से मैंने 12 को भाग दिया तो क्या आ गया मेरा, 6। तो 6 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ पे 5 है मेरा और 1/3। 3 से अगर मैं 12 को भाग देता हूँ तो 4 आता है, तो 4 की ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे है 7। 7 की पावर कितनी थी, 1/4। अगर मैं इसे 12 बनाना चाहता हूँ तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। अब क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 2 की पावर 6/12। यहाँ पे आ गई 5 की पावर 4/12 और यहाँ की 7 की पावर 3/12। तो ये जो ऊपर वाली पावर है आप इसको अंदर लेके आएंगे, तो ये 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है, करिए 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो कितना हो जाएगा, 64। 64 की पावर कितनी, 1/12। 5 की पावर 4 कितना हो जाता है, 5, 25, 125, 25, 625। 625 की पावर 1/12। ऐसे ही आप 7 की पावर 3 करेंगे तो 343, इसकी पावर कितना आ रहा है, 1/12। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चल गई, अब ऊपर की पावर वो जो है सबकी सेम हो गई है। अब जब सेम हो गई है तो जो नीचे सबसे बड़ी संख्या होगी वही वाली क्या कहलाएगी, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहलाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है आपको, 625। यही क्या हो जाएगा, यही मेरा सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, √5, ठीक है, 5 का घनमूल, ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी आपसे पूछ लेता तो आपको दिखाई दे रहा है कि 64 की पावर 1/12 क्या है, सबसे छोटी है, तो आपका आंसर हो जाता है √2, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कुछ बड़ी पावर का, ठीक है, जैसे √27, यहाँ पर 30, √ में दे दिया आपको यहाँ 64, यहाँ दे दिया 120, यहाँ √ में दे दिया आपको 3125 और यहाँ पे दे दिया 125। अब यहाँ पे क्या दे दिया, कुछ बड़ी बड़ी पावर्स दे दी और आपसे पूछ लिया गया बताओ इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। 27 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/30। ऐसे ही मैं 64 की क्या लिख सकता हूँ, 1/120। ऐसे ही मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3125 की पावर 1/125। अब आपको पता है कि 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 लिखूँगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगी 1/30। ऐसे ही 64 को मैं लिखूँगा 2 की पावर 6 गुणा 1/20। ऐसे ही मैं इसे लिखूँगा 5 की पावर कितनी हो जाती है, ये 5 की पावर 5 और गुणा 1/125, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार, 6 से 120 कटेगा 20 बार और 5 से 125 कटेगा 25 बार, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल गया, 3 की पावर 1/10, 2 की पावर 1/20 और 5 की पावर 1/25। अब आपको फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है, एलसीएम लेना है आपको पावर का। तो यहाँ पे क्या है, 10, 20 और 25, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हम अपनी शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में एलसीएम वाले चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए आप अपने पुराने वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, 10, 20, 25 से करके, 5 से करोगे 10, 4, 5, फिर 5 से कर लो 2, 4, 1
और दो से एक, दो और दो, तो कितना आ गया, 25 चौक 100। या आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि मुझे एलसीएम लेना है, मुझे इस वाली मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट आए, मैं कहता हूँ कि 10 ही मेरा एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो वैल्यू होती है लघुत्तम समापवर्तक, वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो अब मैंने मान लिया कि 10 ही एलसीएम होगा, 10 से तो 10 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब मैं अगली वाली संख्या से देख लेता हूँ क्या मेरा एलसीएम कटता है कि नहीं कटता। 20 से 10, आपको पता है 20 से 10 नहीं कटेगा, लेकिन अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, क्यों, क्योंकि इसमें से 10 तो 10 से कट जाएगा, लेकिन जो बचेगा, 10 × 2 लिख सकते हैं, 10 से 10 तो कट जाएगा लेकिन ये 2 बच जाएगा, तो इसे 2 को काटने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही 25, 25 में से पता है आपको, 25 को लिख सकते हैं 5 5, तो 1 5 से 1 10 तो कट जाएगा, लेकिन ये जो 5 बच जाएगा, ये भी, इससे भी तो कोई वैल्यू कटनी चाहिए, तभी तो आपका एलसीएम कहलाएगा जब सब कट जाएगा। तो ये 5 कहाँ ले लिया मैंने यहाँ पे, तो आप देखेंगे 10 5 50 2 100, यहाँ से भी एलसीएम कितना आ रहा है मेरा, 100 आ रहा है। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, पावर को 1/100 बनाना है। तो 10 से अगर भाग देंगे आप 100 को तो 10 बार कटेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/10 × 10/10। ऐसे ही मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 1/20 × 20 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 5 5/5। ऐसे ही 5 की पावर कितनी है, 1/25 है, 25 से मैं अगर 100 को भाग देता हूँ तो 4 बार जाता है, 4/8। तो आप देखेंगे यहाँ 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 10, यहाँ 2 की पावर 5 बन जाएगी, 5 की पावर 4 बन जाएगी। तो एक स्टेप को नेगलेक्ट करते हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 3 की पावर अगर मैं यहाँ 10 लिख दूँ, ठीक है, 3 की पावर 10 हो गई और ये हो जाएगा 1/100। ऐसे ही यहाँ 2 की पावर 5 1/100, ऐसे ही यहाँ 5 की पावर 4 और 1/100, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें 5 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 25 125 और 625, 625 की पावर 1/100 है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 32 की पावर 1/100। 3 की पावर 10, 3 की पावर अगर आप 10 करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, और 243 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 4 12 1 3 2 6 और 1 7, 729। तो ये 3 की पावर 6 ही कितना बैठ जा रहा है, 729, जो कि किससे बड़ा है, 625 से बड़ा है, और आपको तो 3 की पावर 10 है यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो मेरी वैल्यू है वो क्या आ रही है, सबसे बड़ी आ रही है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी वाली मेरी किसका मान होगा, तो सबसे बड़ा मान होगा मेरा 27√30, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, 32 की पावर 1/100 हो रही है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस वाले टॉपिक से या इस वाले जो ये टाइप आपको बताया गया, इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, और अगर आता भी है तो आप उसको प्रैक्टिस करें, आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आप उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें अब जो है हम कुछ नंबर सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। उन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो आपको कैसे उन्हें समझना है और कैसे उनको क्या तरीका लगा के आपको उन्हें सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों नंबर सिस्टम से आपके लगभग सभी कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पे पूरे करा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो है तो नंबर सिस्टम से, लेकिन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको, क्या तरीका होना चाहिए उन्हें करने का, उनको देख लेते हैं, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या क्वेश्चन है, कि आपको एक बुक लिखनी है 500 पेज की, ठीक है। उस 500 पेज की बुक में आपको हर पेज पे नंबरिंग डालने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, पेज पर नंबरिंग के लिए आवश्यक कुल अंकों की
संख्या ज्ञात करो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को एक बार थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कि जैसे आप एक से लेके 500 पेज की आपकी बुक है, ठीक है, आपको पता हर पेज पे एक नंबर डाला होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 100, 101, 102, तो आपको उन नंबरों को काउंट करके बताना है कि एक से लेके 500 तक मुझे वो नंबर कितनी बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ताकि मैं एक से लेके 500 पेज तक उस बुक पे नंबरिंग डाल सकूं। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, आपको पता है कि कोई भी संख्या होती है, जैसे मैं 500 ही लूँ, ठीक है, तो आपको पता है इसमें ये आपका इकाई का अंक होता है, ये आपका दहाई का अंक होता है और ये आपका सैकड़े का होता है। ठीक है, इसके बाद आगे 1000, 10000, इस तरीके से आपकी नंबरिंग चलती रहती है। तो इसमें मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पड़ेगी कि भाई मैक्सिमम इकाई के अंक पर कितने अंक आ सकते हैं, या दहाई के अंक पर कितने अंक आएंगे और सैकड़े के अंक पर कितने अंक आएंगे, क्योंकि 500 पेज तक लिखनी है तो 500 में सैकड़ा लास्ट है, तो आप देखेंगे सैकड़े के स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं। तो और अगर मैं ये निकाल लूँ और उनका सम कर दूँ, यानी उनका योग कर दूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके मुझे कुल कितने नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पर पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस पर वो देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक अगर मैं बात करता हूँ, इकाई के स्थान पर अंक 1 से 9 तक, कोई भी अंक हो आपका, कितनी बार आएगा, 10 बार आता है। जैसे मैं आपसे कहूं 1 कितनी बार आएगा इकाई के स्थान पे, तो आप कहोगे सबसे पहले तो 1 पे आएगा, उसके बाद 11 पे आएगा, उसके बाद 21 पे आएगा, उसके बाद आपका 31, 41, 51, इस तरीके से टोटल 1 से लेके 100 तक इकाई के स्थान पर 1 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आएगा। ऐसे ही 2 भी आपका 10 बार आएगा, 3 भी 10 बार आएगा, यानी 1 से लेके 9 तक जितनी भी संख्याएं होंगी सब कितनी बार आएंगी, 10 बार आएंगी 1 से लेके 100 तक। ऐसे ही अगर दहाई के स्थान पर मैं बात करूं, अंक 1 से 9 तक, ये भी कितनी बार आते हैं, ये भी आपके 10 बार आते हैं। ठीक है, जैसे दहाई के स्थान पर कैसे हो जाएंगे, जैसे आपने कहा 1 ही लेके चलता हूं, 1 दहाई के स्थान पर कहाँ आता है, सबसे पहले 1 आता है दहाई के स्थान पर 10 पर, देख लो ये रहा दहाई के स्थान पर 1 आ गया, तो आप कहेंगे 1 कहाँ कहाँ आएगा, 10 में आ गया, 11 में आ गया, 12, 13, 14, तो इस तरीके से कितनी बार आता है दहाई के स्थान पर, 10 बार आता है। जैसे 5 ले लो, 5 कितनी बार आएगा दहाई के स्थान पर, 5 भी 10 ही बार आएगा। जैसे कहाँ कहाँ आएगा, 50 में आ गया, 51, 52, 53, 54, इस तरीके से कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर भी 1 से 9 तक अंक कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं। अब बात कर लेते हैं सैकड़े की, सैकड़े के स्थान पर अंक 1 से 9 तक। अब सैकड़े में क्या है, कहां से स्टार्ट होता है आपका, 100 तक हो चुका है, तो इसमें आएगा 101 से 200 तक अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि सैकड़ा बनना तो स्टार्ट 100 से ही हो जाता है शुरू, सैकड़ा कहाँ से हो जाता है, 100 से बनना शुरू हो जाता है, लेकिन हम कहाँ से बात करते हैं, 101 से 200 तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो सैकड़े के स्थान पर अंक जो है 1 से 9 वो कितनी बार आता है, वो 100 बार आता है। आप देख लीजिए, आप 1 को ही लेते हो, 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 101, 102, 103, तो कहाँ तक चल रहे हैं आप, 199 तक चल रहे हैं, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका, 1 सैकड़े के स्थान पर, ये पूरा 100 बार रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2 की बात करूँगा, तो 2 कहाँ कहाँ आएगा, 201, 202, 203, 204, इस तरीके से 200 से लेके और 300 तक की अगर मैं बात करूँगा, तो इकाई का अंक सैकड़े पर अंक कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। ठीक है, तो इसी मेथड का हमें इस्तेमाल करना है इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ इकाई के स्थान पर अंकों की संख्या। अगर इकाई के स्थान पर बात करूंगा, तो इकाई के स्थान पर कितनी संख्याएं आएंगी, सिर्फ 9 संख्याएं आएंगी,
कैसे आएंगी, स्टार्टिंग से एक से लेके नौ तक जो है आपकी नौ आएंगी, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, नौ पेज के बाद कहाँ से शुरू हो जाएगा, दस पेज नंबर से। दस पेज नंबर से कितने अंक हो गए हमारे पास, दो हो गए। तो दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, दो अंकों की संख्या कहां से कहां तक चलेगी, दसवें पेज से आपकी निन्यानवे पेज तक चलेगी। और दस से लेकर निन्यानवे पेज तक कितने अंक हो जाएंगे आपके, नब्बे, क्योंकि नौ आप पहले ले चुके हो, तो बचे हुए कितने अंक हो जाएंगे, नब्बे। नब्बे नब्बे लिखने के लिए ये दो दो अंक हैं, तो इनको लिखने के लिए मुझे कितने कुल अंक चाहिएंगे, नब्बे गुणा दो 180, 180 यहाँ पे आपको अंक चाहिएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीन अंकों की संख्या की, तीन अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, आपको पता है 100 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 500 तक चलेगी, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि 100 से 500 तक मेरे कुल कितने अंक हो जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे कुल अंक जो हैं वो 401 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 401, आप देखोगे कि 100 अंक कहाँ तक होते हैं, 101 से 200 तक 100 होते हैं, फिर 201 से 300 तक 100 हो जाएंगे, और ऐसे ही आपके 301 से 400 तक 100 होंगे, और 401 से 500 तक आपके 100 होंगे। तो कौन सा एक अंक छूट गया है, वो एक स्टार्टिंग वाला अंक था हमारा 100, यहाँ पे ये हमारा छूट गया था, तो इसीलिए हमारे टोटल कितने हो गए, 401 हो गए। तो 401 कितने अंक है हमारे पास, तीन अंक है, तो तीन अंक है तो कितने हो जाएंगे, तीन चार तीय 1203। अब हम अंक देख लेते हैं टोटल हमारे कितने हो गए, 9 ये हैं, 180 ये हैं, और 1203 ये हैं, तो इसमें 189 आप जोड़ दीजिए, 9 3 12 1 9 3 1 1392। तो मुझे कुल कितने अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, एक से लेके 500 पेज की बुक लिखने के लिए टोटल 1392 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी इस बुक को लिखने के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसमें देख लेते हैं एक और क्वेश्चन कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 250 से 600 के बीच 5 का अंक कितनी बार आएगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 250 से लेकर 600 के बीच 5 का अंक कितनी बार आ रहा है आपका गिनती में, तो इसके लिए जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट समझाया था उसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं 250 से। 250 से कहाँ तक चलेंगे हम, पहले 300 तक चलेंगे, क्योंकि हम 100-100 का ग्रुप में लेके चलेंगे। मैंने आपको जो अभी कंसेप्ट समझाया था वो सब 100-100 के ऊपर था, तो हम 100-100 की जितनी संख्या बची हुई है वो एक ग्रुप में ले लेते हैं। फिर कहाँ तक चलेंगे, 301 से 400 तक चलेंगे, फिर 401 से 500 तक चलेंगे, और फिर 501 से कहाँ चलेंगे, 600 तक चलेंगे, ठीक है। ये 100-100 के ग्रुप बन गए आपके। इनमें अब हम देखना है कि क्या क्या देखना होता है हमें। अब देखो आपको पता है यहाँ पे इकाई ढाई सैकड़ा तीन चीज़ें हैं, तो हम ऐसे ही अपना ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ इकाई के स्थान, यहाँ पर दहाई का स्थान, और यहाँ पर सैकड़े का स्थान। तो आप सबसे पहले क्या चीज देखेंगे कि पांच का अंक इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, फिर देखेंगे आप पांच का अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, फिर देखेंगे आप सैकड़े का सैकड़े पर कितनी बार आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि 250 से 300 के बीच अगर मैं पांच का अंक देखता हूं और इकाई के स्थान पर पूछता हूं तो कितनी बार आता है। आपको पता है मैंने अभी बताया था कि एक से लेकर अगर 100 तक की मैं बात करता हूँ, कोई भी अंक एक से लेकर 9 तक कोई भी अंक कितनी बार आता है, 10 बार आता है। तो अब 10 बार कहाँ तक आता है कि आप कहते हैं एक से 100 तक 10 बार आएगा कोई भी इकाई के स्थान पे, तो ये कितनी है, उसकी आधी है। 50 से आगे की बात करें तो यहाँ कितनी बार आएगा, यहाँ सिर्फ 5 बार आएगा। तो मैं इकाई के स्थान पर बात करूँ तो 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। अब 250 से मैं 300 के बीच ही दहाई के स्थान पर बात करता हूँ। अब दहाई के स्थान पर जब मैं बात करूँगा तो आप देखेंगे दहाई के स्थान पर 5
50 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5 कितनी बार आएगा, मैंने आपको बताया था दहाई के स्थान पर 10 बार आता है, और कहाँ कहाँ आएगा, 50 51 52 53 54 55 और ये करके आपको कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ सैकड़े पर देख लेता हूँ, क्या सैकड़े पर आपको कहीं पर 5 का अंक दिखाई देगा, 200 से 300 की बात करूँगा तो 2 से 3 तक ही जा पा रहा हूँ, यहाँ पर 5 का स्थान नहीं आएगा, तो सैकड़े के स्थान पर अभी 5 नहीं है। ऐसे ही मैं 301 से 400 के बीच अगर बात कर लेता हूँ तो आपको पता है इकाई के स्थान पर अगर 5 की बात करूँगा तो कितनी बार आएगा, मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 बार में 10 बार आता है 100 स्थान तक, तो यहाँ पे भी कितनी बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। ऐसे ही 300 से 400 के बीच दहाई के स्थान पर बात करूँगा तो यहाँ भी 10 बार आ जाएगा। क्या आपको यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर 5 मिलेगा, आप 3 से 4 पे जा रहे हो, कहीं पे भी आपको सैकड़े के स्थान पर 5 नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी आपको सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब हम 401 से 500 तक की बात करते हैं तो 501 पे देख लेते हैं कितना आता है, यहाँ पे आपको 10 बार मिलेगा। दहाई के स्थान पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ भी 10 बार मिलेगा और सैकड़े के स्थान पर आपको 1 बार मिलेगा, क्यों, क्योंकि 500 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 500 अगर यहाँ पे आ गया है तो आपको सैकड़े के स्थान पर 1 बार मिल जाएगा। अब 501 से 600 तक की बात कर लेते हैं, अब 501 से 600 तक की बात करूँगा तो इकाई के स्थान पर फिर से 10 बार मिलेगा, दहाई के स्थान पर फिर से 10 बार मिलेगा। अब हमें यहाँ देखना है कि सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आपको मिलेगा, तो 500 से जब 501 से 600 तक की बात करते हैं तो कितनी बार मिलेगा आपको, पूरा 100 बार मिलेगा। 100 बार कैसे मिलेगा, आप काउंट करके देखें, 500 से जब आप 600 पे पहुँचते हैं तो आपको 100 बार मिलेगा, लेकिन 600 तक जब आप पहुँचोगे तो 600 में नहीं मिलेगा, 600 में क्या नहीं मिलेगा, 600 में आपको 5 नहीं मिलेगा, तो कितनी बार बच गया, आपको आना था पूरा मिलना था 100 बार, लेकिन 600 में तो 5 नहीं है तो आपको कितनी बार मिलेगा, यहाँ पे 99 बार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, कितना हो जाता है, तो आप देखेंगे 10 और 5 हो गया यहाँ से 15, 10 और 10 हो गया 20, 10 10 20 और 1 21 और 20 और 99 119। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 और 5 15, 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1, टोटल कितनी बार आया है आपका, 175 बार। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरीके के अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके इस टाइप से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या आगे कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो हम अपने आने वाले अगली सीरीज में देखेंगे कि भाई हम इन नंबर सिस्टम के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे समझें और कैसे उसको फॉर्मूला या जो आप प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उसको कैसे आप सेकेंडों में सॉल्व कर पाएँ, वो हम अपने आने वाली सीरीज़ में देखेंगे।